गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 2 है लक्ष्मी, यह लेसन आज हम सीखेंगे। इसके पहले पीरियड में इस लेसन का हमने एक पैराग्राफ जो है वह सीखा था। आज हम बाकी का लेसन सीखेंगे। लेखक का नाम है गुरुबचन सिंह। गुरुबचन सिंह इन्होंने इस पाठ में पशु प्रेम दर्शाया है, यानी करामत अली किस तरह से पशु के बारे में सोचता है और उसको किस तरह से पशु की प्रति दया की भावना होती है, यह इस लेसन में लेखक ने बताया है। तो ओ कंबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, यानी करामत अली अपने बेटे को कहता है और गालियां देते हुए कहता है, डांटता है कि तू कितना बेदर्द है, तूने कितनी बेदर्दी से लक्ष्मी को पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, यानी उसकी जो पत्नी है, बीबी यानी पत्नी कहती है उसको कि ये लो रोगन, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारे को आराम मिलेगा। यानी उसकी पत्नी करामत अली को रोगन यानी तेल देती है और कहती है कि लक्ष्मी को जहाँ जहाँ जख्म हुई है उस जख्म पर यह तेल जो है वह लगा दो। और वह अपने करामत अली अपने बेटे को गुस्सा करता है और गालियां देता है कि कितना बेदर्द है, इतनी बेदर्दी से कोई किसी जानवर को पीटता है क्या। यानी करामत अली अपने बेटे को और अपनी जो पत्नी है उसको समझाते हैं कि कहते हैं कि कोई जानवर जब निरुपयोगी होता है तब हम उसको बाहर निकाल देते हैं क्या, या हम किसी दूर जगह पर छोड़ कर देते हैं क्या। यानी जिस तरह से हमारे घर में जो बूढ़े इंसान होते हैं, या जिस तरह से हमारे घर में जो घर के मेंबर रहते हैं वह जब नौकरी करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, तब तक ही हम उनको संभालते हैं क्या। यानी वह बूढ़े हो जाने के बाद में हम हमारे घर के जो मेंबर है वह बूढ़े हो जाने के बाद में हम उनको क्या छोड़ के देते हैं क्या, या अनाथ आश्रम में डालते हैं क्या। तो जिस तरह से हम उनको पालते हैं बूढ़े हो जाने के बाद में भी, उसी तरह से जो हमारे घर में पशु है या जानवर है तो उनको भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे करामत अली वह अपने पत्नी को और अपने बेटे को समझाते हैं कि लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया, वह निरुपयोगी हो गई है, तो हम उसको क्या दूर छोड़ के आएंगे क्या। ऐसे वह अपने पत्नी को समझाते है और पत्नी कहती है कि ये तेल उसकी जख्म पर लगा दो। करामत अली गुस्से में बोला, यानी करामत अली डांटकर या गुस्से में कहता है, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। यानी वह अपने पत्नी के ऊपर गुस्सा करता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारा जो बेटा है, तुम्हारे बेटे को इतना जब मैं मारूंगा या उसके दोनों हाथ हम लाठी से तोड़ देंगे तो उसको कितना दर्द होगा। उसी तरह से जो दर्द वो लक्ष्मी को हुआ है ये भी दर्द ही है ना, यानी उसने कितनी बेदर्दी से पीटा है। वह अपने पत्नी को करामत अली समझाते है कि तुम्हारे बेटे के दोनों हाथ तोड़ देने के बाद में उसको कैसा महसूस होगा, कहीं इस तरह पीटा जाता है, यानी इतनी बेदर्दी से कोई इंसान किसी जानवर को मारता है क्या। यानी इतनी बेदर्दी से उसने मारा, जिस तरह लक्ष्मी के पीठ पर जख्म हुई और लक्ष्मी को जितना दर्द हुआ उतना दर्द तुम्हारे बेटे को दिया जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा वह अपने पत्नी को समझाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। यानी रमजानी अपने पति से कहती है, करामत अली को समझाती है कि उसके बेटे ने लक्ष्मी को क्यों मारा है, उसके पीछे का जो रीजन है, क्या कारण है, क्यों मारा था लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी 2 दिन से दूध नहीं दे रही थी, यानी लक्ष्मी जो है 2 दिन से दूध नहीं दे रही थी, इसलिए मेरे बेटे ने उसको मारा। उसको मारने के लिए वही रमजानी अपने पति को समझाती है और पति भी गुस्से से, यानी करामत अली को बहुत गुस्सा आता है कि जानवर हुआ तो क्या हुआ, वो भी उनको भी जान है, तो वह अपने बेटे को बहुत गुस्से में डांटते हैं। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया था इसलिए मेरे बेटे ने उसको बहुत मारा है, तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। यानी उसने दूध नहीं दिया था इसलिए उसको किस तरह से सजा दी गई, तो उसको लाठियों से मारा गया और उसको बहुत सजा दी गई। रहमान से गलती हो गई इसे वह भी कबूलता है, यानी रहमान ने जब लक्ष्मी को पीटा तब रहमान
मैं बहुत गुस्सा था क्योंकि 2 दिन से लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था, इसलिए उसको गुस्सा आया था। तो गुस्से के कारण उसने उस वक्त लक्ष्मी को पीट दिया, पर पीटने के बाद में जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसको भी एहसास हुआ कि हमने लक्ष्मी को जितना मारा है तो उसको बहुत दर्द हुआ होगा। तो जो रहमान है वो भी अपनी गलती कबूल करता है और कहता है कि मुझे इतना लक्ष्मी को मारना नहीं चाहिए था, पर उसने 2 दिन से दूध नहीं दिया था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और उस गुस्से के कारण मैंने उसको मारा था। रमजाने कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, यानी वह कुछ क्षण के लिए वहाँ पे खड़ी रही और वहाँ पर खड़ी रहने के बाद में वह थोड़ी सी वहाँ पे कहती है और बोलती है, देखो अपना ख्याल रखो, पाव इधर उधर गया तो कमर सिखवाते रहोगे। यानी वह अपने पति को करामत अली को समझाती है कि देखो तुम्हारा पैर जो है, तुम्हारे पैर जो इधर उधर गया तो तुम्हारे कमर को दर्द होगा और कमर के लिए तुम्हें घर पे बैठना पड़ेगा। तुम्हें चलता फिरता रखने के लिए कमर ठीक होना बहुत जरूरी है, तो तुम लक्ष्मी का तो ख्याल रखो। उसकी पत्नी उसको कहती है कि लक्ष्मी का जितना तुम ख्याल रखते हो उतना ही ख्याल तुम अपने सेहत का भी रखो। तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा पैर इधर उधर जाना नहीं चाहिए क्योंकि कमर में दर्द होगा। इसलिए वह उतना अपने पति को समझाती है करामत अली को और वहां से चली जाती है। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई यानी हाथ फेरना प्यार से, तो वह करामत अली लक्ष्मी की पीठ के ऊपर से हाथ सहराता है। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, बड़बड़ाया ने बातचीत करना, तो मुंह ही मुंह में यानी अपने दिल में वह कहता है, बात करता है, माफ कर लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी के पास वहाँ पे खड़े होके वह मन में कहता है कि लक्ष्मी मुझे माफ कर, जो मेरा बेटा है वो नादान है, नासमझ है, उसको कुछ समझ नहीं है इसलिए उसने तुझे इतने बेदर्दी से पीटा है, यानी माफ कर दे मुझे लक्ष्मी, क्षमा कर दे। तो इसी तरह करामत अली लक्ष्मी को कहता है और बड़बड़ाता है अपने मन में और कहता है कि लक्ष्मी मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे को भी माफ कर दो, वो नादान है, नासमझ है, रहमान बड़ा मूर्ख है, यानी रहमान को अक्कल नहीं है, वह बड़ा ही मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है, यानी उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है, ऐसे वह लक्ष्मी को कहता है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था, यानी जो डॉक्टर है वह लक्ष्मी को चेक करने के लिए आता है और वो जो डॉक्टर है वो करामत अली को पिछले साल ही बता कर गया था कि लक्ष्मी अब बूढ़ी हो गई है, अब वह दूध देंगी नहीं और उसे दूध बंद हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर उसको करामत अली को समझाता है और चला जाता है। पिछले बार ही कह दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है, यानी लक्ष्मी ने को जब हमने चेक किया, डॉक्टर ने पिछले साल ही हमें सलाह दी थी कि लक्ष्मी इस बरस जो है दूध देंगी और अगले बरस से लक्ष्मी का दूध कम हो जाएगा या दूध वो देगी भी नहीं, ऐसे डॉक्टर उसको समझाते हैं करामत अली को और वहां से चले जाते हैं। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती है, यानी लक्ष्मी क्या करती है कि रहमान के पास में शांत ऐसी ही चुपचाप खड़ी रहती है और जहाँ पे उसको पीठ पर जो जख्म हुए हैं उस जख्म पर करामत अली तेल लगाता है, तो शांत चुपचाप खड़ी होकर वह तेल लगवाती है। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी, यानी करामत अली का जो दोस्त था, यानी जो जिगरी दोस्त था करामत अली का, ज्ञान सिंह उसके साथ उठता था, बैठता था, दोनों एक साथ ड्यूटी करते थे, खाते थे, पीते थे एक साथ और ड्यूटी पर भी एक साथ जाते थे, ऐसा उसका जिगरी दोस्त था ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे और इस पड़ोसी होने के बावजूद वह एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, तो इसलिए ज्ञान सिंह की जो गाय थी लक्ष्मी वह करामत अली को देता है। इसी तरह से आज हमने यह जो पैराग्राफ है वह सीखा है, बाकी का लेसन हम अगले पीरियड में सीखेंगे। थैंक यू।